हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनली इन्फिनिक्स ने 2022 की अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स X3। दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी का प्राइस जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को इन्फिनिक्स S3 स्मार्ट टीवीज मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं जिनकी वजह से आप लोगों को ये स्मार्ट टीवी परचेस करने चाहिए, और साथ ही बताऊंगा कि इनमें से कौन से स्पेसिफिकेशंस मिसिंग है जिनकी वजह से आप लोगों को ये अवॉइड कर देने चाहिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इन्फिनिक्स X3 सीरीज को लेने की सोच रहे हो तो इस सीरीज को लेने से आपका एक फायदा होने वाला है। वो फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगा। अगर आप इन्फिनिक्स X3 सीरीज का कोई भी स्मार्ट टीवी परचेज करते हो तो स्नोकर आईरोकर जो ईयरबड्स है, जो कि इन्फिनिक्स के ईयरबड्स है, वो आप लोगों को इन स्मार्ट टीवीज के साथ फ्री में मिलने वाला है, जिनका प्राइस है 1499 रुपये। और ये फ्लिपकार्ट पर हमेशा बेस्ट सेलर में आते हैं, यानी कि लोग इनको काफ़ी ज़्यादा परचेज करते हैं। तो इन्फिनिक्स X3 सीरीज के साथ में आप लोगों को ये फ्री में देखने को मिल जाएगा। फिर अगर बात की जाए दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की, तो 400 निट्स की ब्राइटनेस आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिल जाएगी, यानी कि इस सीरीज के स्मार्ट टीवीज में देखने को मिल जाएगी। HDR 10 प्लस का सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, और जो इन्फिनिक्स का एपिक पिक्चर इंजन है उसमें आप लोगों को 3.0, यानी कि जो एपिक पिक्चर इंजन है इन्फिनिक्स का, उसका 3.0 वर्जन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इन स्मार्ट टीवी सीरीज में। वहीं दोस्तों, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आप लोगों को इन स्मार्ट टीवीज की डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपकी आंखों पर कोई ज़्यादा रेडिएशन का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेशन माना जाता है आंखों के लिए। तो वो भी आप लोगों को इन्फिनिक्स की X3 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों डिज़ाइन की, तो बेजललेस डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और इनमें आप लोगों को प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलेगी। दोस्तों, डिज़ाइन एकदम टॉप क्लास का है। अगर आप इस स्मार्ट टीवी को परचेज करते हो तो कोई बताएगा नहीं कि ये 11 या 12 हज़ार का स्मार्ट टीवी है। सब आपको कहेंगे कि भाई ये तो 20 से 25 हज़ार का स्मार्ट टीवी है, क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन इस स्मार्ट टीवी का आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। फिर दोस्तों, अगर बात की जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पर मैं इसको रीज़न नॉट टू बाय में लूँगा, क्योंकि 1 GB की रैम आप लोगों को मिल रही है। चलो 32 इंचज़ वाले स्मार्ट टीवी में तो हम मान लें कि 1 GB की रैम आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन जो 43 इंचज़ वाला स्मार्ट टीवी है उसमें भी आप लोगों को बस 1 GB की रैम देखने को मिल रही है। 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों स्मार्ट टीवी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा निराश हूँ इन्फिनिक्स से, क्योंकि अगर इन्फिनिक्स 43 इंचज़ वाले में 2 GB रैम देता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन 32 इंचज़ वाले में 1 GB रैम ठीक है। फिर ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, 2 USB पोर्ट मिलेंगे, 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। वहीं अगर बात की जाए प्रोसेसर की या CPU की, तो इसमें आप लोगों को 64-bit का क्वाड कोर A55 CPU देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा CPU माना जाता है। वहीं मालिका 470MP GPU देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मालिका 470MP GPU एकदम टॉप क्लास GPU माना जाता है स्मार्ट टीवीज़ में। फिर दोस्तों, अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो 43 इंचेस वाले में आप लोगों को 36 वॉट के स्पीकर्स मिल जाएंगे। इस टीवी के साथ में आप लोगों को साउंड बार की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 43 इंचेस वाले में जो आप लोगों को 36 वॉट के स्पीकर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन साउंड आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और डॉल्बी एटमॉस को तो ये सपोर्ट करेंगे। फिर जो 32 इंचेस वाला वेरिएंट है उसमें आप लोगों को सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर मिलने वाले हैं। इसमें आपको साउंड बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप अच्छी बेस वगैरह चाहते हो, क्योंकि इसकी बेस इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनमें एंड्रॉयड टीवी 11 का सपोर्ट मिलता है, जो कि आजकल स्मार्ट टीवीज़ में आप लोगों को कमी देखने को मिलता है, वो आप लोगों को इन स्मार्ट टीवीज़ में मिल जाएगा। सो दोस्तों, ओवरऑल दोनों ही स्मार्ट टीवीज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर 43 इंचेस वाले में रैम थोड़ी बढ़ जाती तो स्मार्ट टीवी और भी अच्छे हो सकते थे, लेकिन 32 इंचेस वाला वेरिएंट एकदम बेस्ट है आप लोगों के लिए। आप इसको परचेज कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात इसका प्राइस 12,000 के प्राइस रेंज में आप लोगों को स्मार्ट टीवी मिल जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पर प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट है, तो आप जाके वहाँ से प्री ऑर्डर इसको कर सकते हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।